आदिवासियों ने पीएम आवास योजना के लिए सिवनी जिला कलेक्टर को लगाई गुहार। एटपा ग्रामवासी पहुंचे सिवनी जिला कलेक्टर जन सुनवाई पर, सुनाई अपनी व्यथा। मामला जिला सिवनी के ग्राम एरपा पंचायत एरपा थाना लखनवाड़ा तहसील जिला सिवनी के अंतर्गत का। एरपा ग्राम के निवासियों ने दिन मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर महोदया के समक्ष आवास योजना लाभ दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जानते हैं क्या है पूरा मामला। उद्घोष समय के लिए जिला ब्यूरो चीफ कैलाश लाहौरी। आज कलेक्टर महोदय की तरफ जन सुनवाई में पहुंचे लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या है समस्या। क्या नाम सर आपका? नमस्कार, मैं अनुसुईया परसराम सनोडिया जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 से हूँ। ये मेरे क्षेत्र के लोग हैं, चावड़ी से बिलोंग करते हैं, एरपा ग्राम से। और इनकी समस्या ये है कि एरपा ग्राम में अभी ये सब लोग जो गरीब लोग हैं ये पीएम आवास से वंचित हैं, क्योंकि वहाँ फुलारा में एक खदान थी जिससे जो है पत्थर निकाला गया वहाँ पर। तो वो उत्खनन की वजह से जो है वहाँ पर जब ब्लास्टिंग हुई तो गांव के सब मकान धराशायी हो गए। कहीं क्रैक आ गया है, पत्थर के कारण जो है क्रैक आ गया, और कहीं भी खपरे गिर गए हैं। तो इनकी ये समस्या है कि इनको ये आवास से वंचित हैं, इनके घर टूट रहे हैं। ये लोग जो है बहुत प्रताड़ित हैं। तो मैं शासन से निवेदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इन्हें शीघ्र अति शीघ्र जो है इन्हें पीएम आवास का लाभ दिलाया जाए, ताकि ये लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। सर, हमारे घर शौचालय बनी है ना, तो उसका पैसा भी नहीं मिला है। अच्छा। ना घर की कोई वो सुविधा मिली है। नहीं, शौचालय तुम्हारे घर बन गई? हाँ, बनवाए, हमको बोल के बनवाए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक। आपने खुद ने बनवा लिया? हाँ। परंतु बोला गया था कि पैसे दिए आपने? हाँ, फोटो खींच के ले गए हैं। अच्छा। हाँ, एक समस्या और सर। हाँ बताइए। यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी की दिक्कत जो है कई दिनों से लगातार यहाँ चली आ रही है। अभी मैं पीएचई के अभी अवस्थी से मिलकर आया, वहाँ पर जो है बोर कई दिनों से बंद पड़ा है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर मोटर डलवाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं दो दिन में मोटर डलवाता हूँ, लेकिन ये तो कई दिन से ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पर पानी की समस्या है, तो उसको भी शीघ्र अति शीघ्र निराकरण किया जाए, क्योंकि पानी की समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। धन्यवाद। और भी अन्य समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, माता बहनों को बोल सकती हैं? बोल सकते हैं ना चाहिए क्या, नहीं जो बताओ है ना, सबके काम घर आ रहे हैं, अपने काम कहा नहीं आ रहे हैं। वो तो बता रहा है, देख सकते हैं। जैसे घर में रह रही हूँ, हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारदा भाई। क्या हो गया आपको? अब मेरा घर पूरा पसर गया, टूट गया, रहने की जगह नहीं है। बच्चे लोग बहुत बड़ी बड़ी लड़की हो गई, 18-19 साल की, उनकी लगती नहीं है, आते हैं मेहमान वापिस चल जाते हैं, घर देख के चल जाते हैं, क्या करेगा शादी, क्या देगा जी, ऐसे करके चल जाते सर। आज घर को देख के आपके घर कोई नहीं आ पा रहा है, देख सकते हैं यहाँ समस्याएं कितनी ज्यादा है माताओं के साथ। यहाँ पर सभी मातृ शक्ति यहाँ पर पधारी है और अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। सर, दो शादी करने के लिए। जी जी 19-20 साल की हो गई सब।